आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर विस्तार से। गोपालगंज में पंचायत सरकार द्वारा बनाई गई सड़क को ही अतिक्रमण बताकर दबंगों ने सड़क बंद कर दिया है, जिसे बाधित सड़क पार कर दूसरी तरफ से जाने वाले परिवार का हुक्का पानी कई दिनों से बंद हो गया है। पीड़ित परिवार अब न्याय को लेकर दर दर की ठोकरे खाने को मजबूर है। ये पीड़ित परिवार कटिया थाने से लेकर BDO और CO के यहाँ आवेदन देकर न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन इन्हें अब तक न्याय नहीं मिल सका है। मामला कटिया प्रखंड के अमिया पंचायत के छोटका अमिया गांव का है। पीड़ित का नाम अजय तिवारी है। कटिया के अमिया पंचायत निवासी अजय तिवारी ने बताया कि उनका छोटा अमिया गांव में पैतृक घर है। इसी गांव में वर्ष 2018 में 14वें वित्त आयोग से पंचायत सरकार द्वारा PCC सड़क का निर्माण कराया गया था। इसी सड़क से होकर भी अपने घर में जाते हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से गांव के कुछ पड़ोसी दबंगों के द्वारा सड़क को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। बीच सड़क पर ईंट पत्थर और लकड़ियां लगाकर आवागमन को पूरी तरह से बाधित कर दिया गया है, जिससे सड़क की दूसरी तरफ कुछ घरों का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। सड़क के बंद होने से पीड़ित अजय तिवारी भी अपने घर से बाहर या कहीं भी निकल नहीं पा रहे हैं। उनका दैनिक कार्य पूरी तरह से ठप हो गया है। पीड़ित के मुताबिक दबंगों के द्वारा दावा किया गया है कि ये सड़क अतिक्रमण कर बनाई गई है, जिसकी वजह से उनका रास्ता और घर में जाने वाली सड़क को बंद कर दिया गया है। इसको लेकर पीड़ित ने कटिया थाने से लेकर BDO और CO को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है, साथ ही सड़क को खोलने की मांग की है। ये आरोप गांव के दबंग पड़ोसी धनेश्वर पांडे पर लगा है, जिनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। हालांकि धनेश्वर पांडे के मुताबिक जिस जमीन पर सड़क का निर्माण कराया गया है वह उनकी अपनी निजी जमीन है। उनके इसी जमीन पर अतिक्रमण कर अजय तिवारी द्वारा सड़क का निर्माण कराया गया है, जो पूरी तरह से अवैध है। धनेश्वर पांडे के मुताबिक सड़क को अतिक्रमण मुक्त करने को लेकर उन्होंने लीगल नोटिस भी भेजा है, इसके साथ ही सड़क को उन्होंने बंद कर दिया है। बहरहाल बड़ा सवाल यह है कि जिस सड़क का निर्माण 14वें वित्त आयोग से पंचायत सरकार के द्वारा बनाया गया था, तब स्थानीय लोगों और धनेश्वर पांडे के द्वारा विरोध क्यों नहीं किया गया? सड़क के बनने के कई वर्ष बीत जाने के बाद इस तरह के दावे कर सड़क पर आवागमन बाधित क्यों कर दिया गया है, ये जांच में ही सामने आ पाएगा। बहरहाल पीड़ित को न्याय की दरकार है। धनेश्वर पांडे, असल में हम लोग मूल रूप से निवासी हैं मछवा गाँव के। अमिया में हम नवासेदार हैं। वहाँ हमारी कास्त जमीन है, उसमें एक तरफ से योजना के अंतर्गत रोड बना है हमारी जमीन में, और एक तरफ से विजय तिवारी जबरदस्ती हम लोगों की अनुपस्थिति में उसमें रोड बनवा लिए। आ रोड बनवाने के बाद हम वकालतन नोटिस करवाए BDO ग्राम पंचायत सेवक ग्राम सेवक के यहाँ मुखिया के यहाँ वकालतन नोटिस कराए थे कि भाई आप लोग किस योजना के अंतर्गत स्वीकृति मिली है कि नहीं मिली है, कैसे आप लोग रोड बनवा लिए, तो वो लोग अभी जवाब नहीं दिए हैं। आई विजय तिवारी क्या है कि हमारे ऊपर जाके अपने सिविल सूट फाइल कर दिया है, जिसका नंबर है 710-23। तो रास्ता बंद कर दिया गया है। हाँ, तो क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं भाई, हमारा जो हमारी जमीन है, रास्ता वहाँ कैसे रहेगा? जमीन तो हमारी कास्त है। हम किए, हाँ, अतिक्रमण, हमारी जमीन अतिक्रमण की गई थी। हमको जानकारी मिला लगभग 1-1.5 महीना पहले, तो हम वकालतन नोटिस करवाए। हाँ, हम थे ही नहीं, हमारी अनुपस्थिति में सब हुआ है। नाम है मेरा, घर जो है अमिया है, अमिया ग्राम पंचायत पोस्ट महुआ थाना कर्णिया जिला गोपालगंज बिहार। और मेरे घर पे जो पहले वहाँ पे घोटा था, घोटा के बाद घर बना, 50 बरस से कच्ची रास्ता थी। 2018 में वहाँ पे पक्की मिट्टीकरण हुआ, ईंटकरण हुआ, और उसके बाद क्या बोलते हैं PCC हुआ। PCC होने के बाद वो रोड सबकी सहमति से बना और सब कास्त में ही रोड बना हुआ है, जहाँ से शुरू हुआ है वहाँ से लेके और लास्ट तक। आगे मेरा ज़मीन है, पीछे हमारे पटीदार का ज़मीन है, और बीच में उनका दो तीन दूर ज़मीन पड़ता है रोड पे। तो वो ज़बरदस्ती रात को 6-7 आदमी को लेके आके ज़बरदस्ती और ईंट का टुकड़ी गिरा के और ज़बरदस्ती रास्ता बंद कर दिए। नन्हे पांडे नाम है उनका, धनेश्वर पांडे नाम है, ग्राम मछवा है, पोस्ट महुआ है, थाना कटिया है, और जिला गोपालगंज है। तो वो कह रहे हैं उनके जमीन है, अतिक्रमण किया गया है। हाँ, उन तो अतिक्रमण नहीं हुआ है, सबकी सहमति से बनी है। 5 बरस बन के हो गया, 5 बरस तक कहाँ थे वो? तो रोड का कौन बनाया था? रोड तो मुखिया जी के सहमति से बना है, वो मेरे पास कागज भी पड़ा है। किस योजना की रोड बना? योजना का नाम भी है।
सालिक तिवारी के घर से लेके विजय तिवारी के घर तक और विजय तिवारी घर से लेके प्रेम स्वरूप तिवारी के घोठे तक घर तक उस योजना का नाम है। मेरे पास पूरा कागज पड़ा हुआ है। किसके द्वारा बनवाया गया था? मुखिया के द्वारा बनवाया गया था। मुखिया के द्वारा बनवाया गया था। कहना है कि आपके द्वारा बनवाया गया था इसलिए नहीं, मेरे द्वारा मैं कौन होता हूँ बनवाने वाला? कोई रोड तो मान लीजिए मुखिया और वीडियो के द्वारा ही बनता है ना। जब तक वीडियो नहीं पास करेंगे तब तक रोड नहीं बनेगा। क्योंकि कहना है कि योजना में कहीं इस तरह का जिक्र नहीं है कि ये मुखिया के द्वारा बनवाया गया है। हाँ तो मुखिया क्यों पास करवाए हैं? मुखिया का सिग्नेचर है, वीडियो साहब का सिग्नेचर है और वो क्या बोलते हैं जो चेक पास करते हैं उनका सिग्नेचर है। झूठ बोल रहे हैं वो लोग, झूठ बोल रहे हैं। पाँच बन के हो गया, पाँच बरस तक कहाँ थे वो? और सबका रोड बना हुआ है तो सबका रास्ता क्यों रुकता है? मेरा ही क्यों रोका गया है? क्योंकि वहाँ पे ज़बरदस्ती होता है और सताया जाता है हम लोगों को। दबंग लोग हैं। इसको लेकर आपने कहीं आवेदन दिया है? मैंने आवेदन एक कोर्ट में दिया है और ये इसका जेरोक्स हम लोग सीईओ के पास दिए हैं, वीडियो साहब के पास दिए हैं, सीईओ साहब के पास दिए हैं। वीडियो थाना में लेके आए थे, उस समय थाना प्रभारी थे हमारे क्या बोलते हैं मिथिलेश पांडे जी, तो बोले कि अभी टूटा नहीं है ना, टूटेगा तो आना और रास्ता रोकेंगे। आज आपके द्वारा आवेदन दिया गया है? आज मेरे द्वारा दरखास्त दिया गया है, जो थाना प्रभारी जी हैं उनको दिया है मैंने 10-11 के बीच में। इसका जेरोक्स मेरे पास। छोटी सी आंखों में पूरी दुनिया को देखने का हुनर होता है, तो इसकी देखभाल बिल्कुल सावधानी से। हम हैं टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस एक्सक्लूसिव टाइटन शोरूम, जहां कंप्यूटर द्वारा निशुल्क आंखों की जांच, अनुभव करें हमारे 20-स्टेप त्रुटिहीन घड़ियों और चश्मों के स्टार्टिंग प्राइस 599 से। तो आज ही आइए टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस DAV हाई स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज। जिले का गौरव 73 वर्षों से गोपालगंज की सबसे भरोसेमंद जेवर की दुकान रामकृष्ण ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916-750 का ह्यूज हॉलमार्क सोने चांदी के साथ IGI द्वारा प्रमाणित हीरे का जेवर भी उपलब्ध है। BIS 916 हॉलमार्क शुद्ध सोना, संपूर्ण पारदर्शिता, GIA प्रमाणित हीरा, गोल्ड एक्सचेंज पर शून्य कटौती, आजीवन मेंटेनेंस का वादा, गोल्ड ज्वेलरी पर 25% और डायमंड ज्वेलरी पर 20% तक की छूट। हमारे यहाँ लगे कैरेटोमीटर से सोने चांदी के गहनों की शुद्धता की जांच, ग्राहक स्वयं करें वो भी निशुल्क। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड गोपालगंज। विगत 28 वर्षों से आपकी आस्था एवं विश्वास का प्रतीक JDS पब्लिक स्कूल एंड प्रताप कोचिंग सेंटर, जहां CBC पैटर्न पर आधारित को एडुकेशन कैरिकुलम NCERT क्लास नर्सरी से 10th तक इंग्लिश मीडियम स्कूल। साथ ही हमारे यहां 25% सीट रिजर्व फॉर BPL फैमिली, साइंस लैब फैसिलिटीज, कंप्यूटर लैब फैसिलिटी, स्मार्ट क्लासेस एंड प्रोजेक्ट वर्क फॉर ईच स्टूडेंट, हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। एडमिशन ओपन फॉर 2023-24 सेशन। JDS पब्लिक स्कूल एंड प्रताप कोचिंग सेंटर, रामनाथ पथ, सरस्वती नगर, वार्ड नंबर 12, गोपालगंज। जिला मुख्यालय गोपालगंज के शहीद चौक से पूर्व सैनिक संगठन वेटरन एसोसिएशन द्वारा कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शहीदों को सम्मान में एक जुलूस निकाला। जुलूस शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए अंबेडकर चौक पहुंचकर श्रद्धांजलि सभा में तब्दील हो गई। वहीं अंबेडकर चौक पहुंचे पूर्व सैनिकों ने शहीदों के तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। आपको बताते चले कि पूर्व सैनिक संगठन वेटरन एसोसिएशन द्वारा कारगिल विजय दिवस के मौके पर सैकड़ों की संख्या में पूर्व सैनिक तथा सिविल सोसाइटी के लोग शामिल हुए। सभी पूर्व सैनिकों और सिविल सोसाइटी के लोगों ने कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी तथा उनके वीर शहादत को याद किया। पूर्व सैनिक डॉक्टर कैसर जावेद ने कहा कि कारगिल युद्ध में हमारे हजारों सैनिकों ने मां भारती की रक्षा में अपना प्राण निछावर कर दिए। उन वीर सैनिकों को शहादत के कारण आज देश सुरक्षित है। जिला उपाध्यक्ष आलोक कुमार ने बताया कि 1999 के कारगिल युद्ध में जो हमारे वीर जवान शहीद हुए उनके बलिदान को हमेशा इतिहास के पन्नों में याद रखा जाएगा। गोपालगंज जिले के पूर्व सैनिकों ने शहीद भगत सिंह स्मारक से पोस्ट ऑफिस होते हुए, अंबेडकर चौक होते हुए, घोष मोड़ होते हुए एक शहर की परिक्रमा किए तथा परिक्रमा के दौरान कारगिल शहीद अमर रहे, वीर सपूत अमर रहे, भारत माता की जय इत्यादि नारों से गोपालगंज शहर गूंज गया। मैं आलोक कुमार, वेटरन इंडिया जिला अध्यक्ष सह जिला संयोजक पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ भाजपा, आज हम लोग कारगिल
विजय दिवस के अवसर पे जो 1999 26 जुलाई को हम लोगों को हमारे देश को सफलता मिली थी, जिसमें हम विजय पताका लहराए थे, उसके अवसर पे उस युद्ध में शहीद वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज जिले में हम ये मार्च कर रहे हैं तिरंगा के साथ, ताकि जिले के युवाओं में, देश के युवाओं में, सामाजिक लोगों में सैनिकों के प्रति और देश के प्रति राष्ट्रीय भावना को हमेशा जागृत रखा जाए। और ये ऐसी कार्यक्रम हम हमेशा करते रहें, ताकि हमारे बीच, हमारे समाज के बीच सैनिकों के प्रति सम्मान और इस देश के प्रति और इस राष्ट्र के झंडा के प्रति हमेशा सम्मान बना रहे। 26 जुलाई 1999 को हमारे वीर सैनिकों ने कारगिल के युद्ध में विजय पताका लहराया था, उसी के उन्हीं वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज गोपालगंज के सैकड़ों पूर्व सैनिकों सहित हमारे बहुत से समाजसेवी लोग भी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आज हम उन वीर सैनिकों को याद कर रहे हैं, उनकी कुर्बानियों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जिन्होंने अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए, माँ भारती की रक्षा के लिए इन्होंने प्राण निछावर कर दिए। आज इतिहास के पन्नों में उन वीर सैनिकों को याद किया जा रहा है, श्रद्धांजलि दिया जा रहा है। गोपालगंज की पावन धरती पर यह दूसरी बार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ सैकड़ों की संख्या में पूर्व सैनिक समाज सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, और उन वीर सैनिकों को जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए, उनकी कुर्बानियों को याद कर रहे हैं, उनकी शहादत को याद कर रहे हैं। माझा में आर्म्स एक्ट के मामले में करीब एक वर्षों से फरार नामजद अभियुक्त को माझागढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। बताते चले कि एक वर्ष पूर्व माझागढ़ थाना क्षेत्र डुलडुलिया रेलवे ढाला के समीप एक बगीचे में आधा दर्जन अपराधी किसी बड़े घटना देने की अंजाम का प्लान बना रहे थे कि माझागढ़ पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए चार अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जिसमें फरार दो अपराधियों को पुलिस एक वर्ष से तलाश कर रही थी, जिसमें एक अपराधी को पुलिस ने शनिवार की रात्रि छापेमारी कर गिरफ्तार करने के पश्चात रविवार को जेल भेज दिया। गिरफ्तार अपराधी की पहचान माझागढ़ पुलिस के अनुसार माझागढ़ थाना क्षेत्र के डुलडुलिया गांव के मुश्ताक अली के पुत्र सद्दाम अली के रूप में की गई। जनता दल यूनाइटेड जिला कमेटी की बैठक का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जदयू जिला अध्यक्ष आदि शंकर शाही ने किया, जिसका संचालन जिला प्रवक्ता ब्रजकिशोर सिंह ने की, जिसमें मुख्य रूप से पार्टी के विधानसभा प्रभारी कुणाल पटेल एवं सौरभ कुमार उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष ने कहा कि आज हम लोग जिला कमेटी का विस्तार करते हुए 12 जिला उपाध्यक्ष, 3 प्रवक्ता, 24 महासचिव, 26 सचिव एवं 30 जिला कार्यकारी सदस्य मनोनीत किया। जिला कमेटी के साथियों के साथ बैठक करते हुए जिलाध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश द्वारा निर्देशित कार्यक्रम कर्पूरी चर्चा आगामी 6 अगस्त से अगले 24 जनवरी 2027 तक चलेगा, जिसमें प्रत्येक प्रखंड की हर एक पंचायत में कर्पूरी चर्चा होगी। विधानसभा प्रभारी कुणाल पटेल ने कहा कि सभी पंचायतों में जाना है और पंचायत और बूथ को मजबूत करना है, ताकि हम आगामी चुनाव में इस गोपालगंज लोकसभा पर मजबूती से अपनी दावेदारी कर चुनाव जीत सकें। इसलिए हमको अपने नेता के किए गए कार्यों को जन जन तक पहुँचाना है। जनता दल यूनाइटेड जिला अध्यक्ष आदित्य शंकर शाही अपनी जिला कमेटी के साथ 9 मनोनीत बिहार सरकार अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक जनाब रियाजुल हक राजू से पुष्प गुच्छ लेकर उनका स्वागत एवं अभिनंदन किया। जिला अध्यक्ष के साथ साथ जिला प्रवक्ता ब्रजकिशोर सिंह, जिला उपाध्यक्ष राजेश सिंह, मनोज तिवारी, जिला महासचिव राजू कुशवाहा, साहेबजाद अली, मोहन सिंह, योगेश पटेल, मुखिया निवर्तमान जिला अध्यक्ष पप्पू सिंह, श्रम एवं तकनीकी जिला अध्यक्ष शमशेर आलम, प्रखंड अध्यक्ष बुलेट सिंह, रविंद्र शर्मा ने भी स्वागत किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोपालगंज के तत्वाधान में उचका गांव प्रखंड अंतर्गत परसौनी खास पंचायत में मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पैनल अधिवक्ता अशोक कुमार एवं पीएलवी नूर आलम द्वारा उपस्थित आम जनता को मध्यस्थता की प्रक्रिया, मध्यस्थता द्वारा वैवाहिक वाद, वाणिज्यवाद, संपत्तिवाद आदि मामलों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार में प्रशिक्षित मध्यस्थों के माध्यम से सुलह समझौता के बिंदु पर वार्ता करने एवं वाणिज्यवादों को पूर्ववाद के रूप में दाखिल कर उनकी समझौता के बिंदु पर वार्ता हेतु मध्यस्थता केंद्र में अपने वादों का दाखिल कर सकते हैं। टीम के सदस्यों द्वारा उपस्थित आम जनता को मध्यस्थता प्रक्रिया, मध्यस्थता के फायदे, पक्षकारों के बीच एकल एवं संयुक्त सत्र आदि मध्यस्थता के विभिन्न पहलुओं पर जागरूक किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, ग्रामीण जनता आदि उपस्थित हुए।
कार्यक्रम में उपस्थित आम जनता के बीच मध्यस्थता एवं विभिन्न प्रकृति के हैंडबिल भी वितरित किया गया। वहीं दूसरी तरफ मंडल कारा चनावे के कैदियों के बीच प्ली वार्निंग विषय के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन पैनल अधिवक्ता यासर अराफत द्वारा कारा प्रशासन के पदाधिकारीगण की उपस्थिति में किया गया, जिनके अंतर्गत पैनल अधिवक्ता द्वारा कैदियों को प्ली वार्निंग क्या है, इसके क्या फायदे हैं, इसका लाभ किसको मिलेगा, इसका लाभ नहीं लेने पर इसके प्रतिकूल प्रभाव आदि विभिन्न विषयों पर जागरूक किया गया। पंचदेवरी में रविवार को सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा क्रांति धारा कार्यक्रम के तहत जिला स्तरीय प्रतियोगिता संगोष्ठी सह पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के 11 स्कूलों के 399 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस आयोजन में एकल गीत, काव्य पाठ, समूह गीत, सामूहिक नृत्य व चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। एकल गीत में प्रथम स्थान पंचदेवरी की शिल्पी कुमारी, द्वितीय स्थान नाजनीन प्रवीण व तृतीय स्थान इसी प्रखंड की रोशनी कुमारी ने हासिल किया। काव्य पाठ में इसी प्रखंड की आशीर्वाद पांडे ने प्रथम स्थान, काजल सिंह ने द्वितीय स्थान और अप्सरा नाज ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। समूह गीत में बिहार विकास CBSE स्कूल मझरिया की छात्रा उन्नति श्रीवास्तव, गुलनाज व सनम खातू ने परचम लहराया। वहीं इस स्कूल की प्रज्ञा राय, प्रिया कुमारी, पुष्पा, स्नेहा, तनु कुमारी ने सामूहिक नृत्य में प्रथम स्थान हासिल किया। चित्रकला में कुचायकोट के छात्र मुरली पांडे ने जिले के स्वतंत्रता सेनानी फतेह बहादुर शाही की प्रतिमा बनाकर अपना परचम लहराया। सभी विजेता छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा प्रत्येक प्रतियोगिता से 5 छात्र छात्राओं को संतावना पुरस्कार दिया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि सीवान जिले के बसंतपुर प्रखंड के BDO मनीष कुमार श्रीवास्तव, सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष ब्रिज किशोर दुबे, शिक्षाविद विवेकानंद मिश्र, सेवानिवृत्त शिक्षक काशीनाथ गुप्ता, सुधांशु पांडे आदि ने अपने जिले के क्रांतिकारियों को याद किया। मौके पर कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर दुर्गाचरण पांडे, डॉक्टर प्रशांत चेतन, अनिकेत मिश्रा, अजय कुमार पांडे, संदीप पुष्पक, रविरंजन श्रीवास्तव, शहाबुद्दीन अंसारी, सत्येंद्र सिंह, अजीत द्विवेदी, सुनील कुमार गुप्ता, राम नरेश मिश्र, सुनील पांडे, योगेश गुप्ता, बबलू गिरी आदि थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवानिवृत्त शिक्षक काशीनाथ गुप्ता व संचालन शिक्षक जनार्दन ओझा ने किया। विशम्बरपुर पुलिस ने इंटरनेट मीडिया पर हथियार लहराने का वीडियो प्रसारित करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने युवक के निशानदेही पर फोटो में दिख रहा हथियार भी बरामद कर लिया। हालांकि जांच पड़ताल में बरामद किया गया हथियार एयरगन निकला। मिली जानकारी के अनुसार पश्चिमी चंपारण जिले के नौतन थाना अंतर्गत भगवानपुर गाँव निवासी एक युवक ने हथियार लहराते हुए अपनी फोटो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किया था। फोटो प्रसारित होने के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल था। इस पोस्ट पर संज्ञान लेते हुए विशम्बरपुर पुलिस ने जांच पड़ताल की तो युवक की पहचान भगवानपुर गांव निवासी अमर यादव के पुत्र जितेंद्र कुमार यादव के रूप में की गई, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर उक्त युवक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवक की निशानदेही पर फोटो में दिख रहा हथियार को भी बरामद कर लिया गया। हालांकि जांच पड़ताल में बरामद की गई राइफल दरअसल एयरगन निकली। इस मामले में गिरफ्तार युवक के खिलाफ प्राथमिकी कर उसे अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहाँ बॉन्ड डाउन करने के बाद युवक को रिहा किया गया। उत्पाद विभाग की पुलिस ने शराब के साथ मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें पूछताछ के बाद पुलिस ने जेल भेज दिया। इनकी शराब तथा वाहन को जब्त किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में मिंटू कुमार चौहान से 89 पीस 200 ml का टेटा पैक देशी शराब और दूसरे अनिल कुमार से 55 पीस 8 PM टेटा पैक विदेशी शराब बरामद किया गया है। पूर्वोत्तर रेलवे के थामे जंक्शन पर GRP ने बोगी तलाशी के दौरान लावारिस हालत में एक झोला और एक पिट्ठू बैग बरामद किया। गाड़ी संख्या 0190 सवारी गाड़ी प्लेटफार्म नंबर 1 पर आकर रुकी तो बोगी तलाशी के दौरान शौचालय के गलियारा से लावारिस हालत में झोला और बैग बरामद किया। GRP प्रभारी जय विष्णु राम ने बताया कि तलाशी लेने पर 140 बोतल शराब बरामद कर अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई। बोगी तलाशी के दौरान विजय प्रसाद, धीरेंद्र कुमार, संजय चौधरी, रामचंद्र राम सहित GRP पुलिस मौजूद थे। थावे थाना के पुलिस ने शनिवार को गश्ती के दौरान शराब के नशे में हंगामा कर रहा एक युवक को घर से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपित की पहचान थाना क्षेत्र के विदेशी टोला गांव की अकबर अली के रूप में की गई।
थाना अध्यक्ष शशिरंजन कुमार ने बताया कि चिकित्सीय जांच के बाद आरोपित को रविवार को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। गश्ती के दौरान SI सुलेंद्र नारायण सिंह सहित पुलिस बल मौजूद थे। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।